प्रदेश के अंदर इस प्रकार के तमाम ऐसे उप जुड़े हुए हैं। मुझे दुदुहा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है और मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था 2 वर्ष पहले। एक वर्ल्ड फेस्टिवल वहां पर पर्यावरण और वन विभाग ने किया था और वहां पर मुझे तब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अंदर से गया था जंगल के बीच में और जंगल के बीच में मैंने इस बात को देखा कि मैं जिस समय गया था उस समय जून का महीना था। बाहर भीषण लू चल रही थी, गर्मी थी, लेकिन बाहर की गर्मी और जब मैं अंदर गया था, अगर मैं लखनऊ से इसका तुलना करूं तो लगभग 7 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर का अंतर था वहां के, यानी उस दुदुहा के जंगल के बीच में और लखनऊ के टेम्परेचर में, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के टेम्परेचर में और दुदुहा के टेम्परेचर में भी 4 से 5 डिग्री का अंतर था। यानी ये दिखाता है कि जो यूनाइटेड नेशन ने एक चेतावनी दी है हम सबको कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी प्रकार से होता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी हम सब के लिए है, तो वह कितना खतरनाक हो सकता है। न केवल तमाम शहर डूब जाएंगे, मानवीय सृष्टि के लिए वो खतरनाक होगा, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है, आपने देखा होगा, कुछ भी हो भारत के अंदर तब भी इस मामले में आम नागरिक में एक जागरूकता है, सरकारें भी संवेदनशील हैं और जहां पे थोड़ी लापरवाही होती है तो एनजीटी या फिर मान्य न्यायालय भी इसके प्रति निरंतर चेतावनी भी देता है, उस प्रकार की गाइडलाइन भी जारी करता है और उस प्रकार के उनके द्वारा निर्देश भी जारी होते हैं। तब भी काफी हद तक उसको नियंत्रित करने में, जो अभी बताया गया कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी है उसके साथ ही जो पॉल्यूशन की रेट है दुनिया में, भारत भले ही आबादी में दुनिया के अंदर नंबर 2 स्थान पर रखता है, लेकिन पॉल्यूशन फैलाने में हम आज भी बहुत पीछे हैं। भारत से आगे दुनिया के तमाम देश हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि जब प्रकृति के नजदीक व्यक्ति ज्यादा रहता है, और मैंने बहुत नजदीक से पिछले 1.5 वर्षों के अंदर महसूस किया है, प्रकृति के नजदीक जो जितना रहेगा वह उतना ही उसकी इम्यूनिटी पावर भी उतनी मजबूत होगी। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, भाइयों बहनों आप देख सकते हैं, भारत की आबादी अमेरिका की आबादी से 4 गुना है। 135 करोड़ की आबादी हमारे देश में रहती है और अमेरिका के अंदर केवल 35 करोड़ की आबादी है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना ज्यादा है, अच्छा है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौत अमेरिका के अंदर भारत से 1.5 गुना से ज्यादा है। ये क्या साबित करता है? कहीं ना कहीं प्रकृति के संग हमारे समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण महाअभियान को जो लिया है, इसी क्रम में लिया है, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश 100 करोड़ वृक्षों को लगाने के लक्ष्य को तो पूरा किया है 5 वर्ष में, लेकिन साथ साथ आज के दिन पे हमारे पास ये क्षमता है कि हम लोग 100 करोड़ वृक्ष एक वर्ष में लगा सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर नर्सरी हमारे पास तैयार है, और इसमें एक और चीज है, इसमें यूकेलिप्टस भी नहीं है, इसमें पॉपुलर भी नहीं है, इसमें आपको पीपल मिलेगा, बरगद मिलेगा, पाकड़ मिलेगा, आम देसी आम मिलेंगे, जामुन मिलेगा और औषधीय वृक्ष मिलेंगे, फलदार वृक्ष मिलेंगे, छायादार वृक्ष मिलेंगे। व्यापक पैमाने पर नर्सरी तैयार की जा रही है और हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अपना आच्छादन बढ़ा है, सरकार निरंतर उसके प्रति जागरूक है।
हम लोगों ने विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक गंगा यात्रा भी निकाली थी। नमामि गंगे परियोजना ने गंगा